मैंने कोशिश की कि हमारा प्रधानमंत्री दिन में 20-20 घंटा और उससे अधिक काम करता है तो मुझे भी मैंने उनने मुझे विश्वास यहाँ भेजा है तो इस राजभवन में अपना समय कुछ ऐसे निकालो कि जिसके कारण से कल को लगे कि हाँ हमने भी कुछ योगदान किया है अपना कर्तव्य निभाया और मुझे बहुत पसंद है आप सबका बड़ा सहयोग मिला आज आपको राजभवन कितना अच्छा लगता है आपको पता है 24 फोर आवर्स काम करने वाले मजदूर मैं क्यों उनके लिए रोता हूं पीएम के आने पर भी मैंने उन्हीं के लिए बात की उनके बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते थे दर्द उनके लिए होना चाहिए जब मेरी बहन है धूप में यहां धूप में जो कुछ उगाता है उसको उखाड़ती हैं तो मेरे को थोड़ा आंसू आते हैं पर मैं कर भी नहीं सकता कुछ दो रोटी उन्होंने भी खानी है परंतु हम उसी काम को अगर प्रेम से करें उसी काम को एक लगाव से करें तो उसका एक अलग आनंद होता है अब आप सचिवालय देखिए कितना अच्छा लगता है जाकर के उस दिन मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी दोनों कहने लग गए बोले साहब आपने तो यह कॉरपोरेट सचिवालय बना दिया है अब आप कॉरपोरेट सचिवालय में बैठते हैं कोशिश की पर मेरे छोटे कर्मचारी उनके लिए अच्छी से अच्छी कुर्सी ला उनको लगना चाहिए कि मैं भी जो है और कहीं किसी बड़े कॉरपोरेट टाटा बिरला और उसका अडानी अंबानी के इस तरह से अच्छे कमरे में बैठी हूं बैठा हमारा काम हम कितना अधिकतम अच्छा कर सकते हैं उस पर ध्यान अगर ज़्यादा देंगे तो मुझे लगता है कि ये राजभवन एक आदर्श राजभवन बनेगा और यहाँ के कर्मचारी और अधिकारी इनका देश और दुनिया में लोग कहेंगे कि देखो कैसी सुंदर स्प्रिट है कि एक दूसरे को दोष देखने के बजाय एक दूसरे के गुणों को देखते हैं